नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे बॉयलर्स, सोल्जर्स, लैप एंगल जो डिफरेंट डिफरेंट साइज का दिया हुआ है, LP1, LP2, LP3 और LP4। ये जो लैप लेंथ दिया हुआ है उसका अलग है, एंगल का और साइज अलग है, सब डिटेल आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ जो टॉप पैनल है उसका डिटेल देखेंगे, ये साइड व्यू है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टो पैनल जो बॉक्स गटर है उसमें कहाँ पे दिया हुआ है, कौन से पोजीशन पे, ये जो बॉयलर है वो कहाँ लगेगा, सोल्जर कहाँ लगेगा, इस सारा डिटेल आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये बॉक्स गटर का सेगमेंट 11 है, जिसमें आप देख सकते हैं टो पैनल, ये जो हंच पोर्शन है उसमें दिया गया है, हंच पार्ट में दिया गया है। और इसमें जो सोल्जर है बॉक्स गटर के आउटर शटरिंग प्लेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर, और इसमें जो बॉयलर है बॉयलर भी दिया गया है। ये जो बॉयलर है आप देख सकते हैं दोनों सेगमेंट में सोल्जर, बॉयलर और ये टॉप पैनल दिया गया है। उसके बाद इसमें जो ये जो शटरिंग प्लेट दिख रहा है, इसमें जो लैप एंगल मैंने बताया उसमें लैप एंगल आएगा, इसका डिटेल हम अभी नहीं देख रहे हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका टॉप पैनल का डिटेल और एंगल का डिटेल आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये टॉप पैनल का टॉप व्यू है, जिसका साइज 1 मीटर बाई 970 mm दिया गया है। ये एंड व्यू है, साइड से जब हम देखेंगे ये 75 mm है। इसका जो होल का सेंटर, ये जो सेंटर दिया हुआ है सेंटर 200 का है। सबसे पहले जो इसमें शटरिंग प्लेट बनने में लगा है ISMC 75x40 का, 1 मीटर का दो पीस, एक यहाँ पे और एक दूसरे एंड में। उसके बाद से ISMC 970 का तीन पीस, एक पहला एंड में, दूसरा एंड में और ये मिडिल में, ये ISMC 75 का हो गया। उसके बाद इसमें फ्लैट बार का डिस्टेंस, ये जो फर्स्ट कॉर्नर है वहाँ से 110 mm पे, उसके बाद 200 पे और ये 200 पे, यानी तीन फ्लैट बार लगाया गया है, 1, 2, 3। पहला बॉक्स में जो फ्लैट बार का साइज है 470 mm है, दूसरे में 510 mm है। और ये जो दोस्तों बेंड लाइन शो किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ एंड व्यू में देख सकते हैं, ये बेंड लाइन है, दो बेंड लाइन दिया हुआ है ड्राइंग में। उसके बाद ठीक उसी तरह से दोस्तों 1000x500 का एक पैनल नंबर P7 शटरिंग प्लेट बना है, जिसमें सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया है, फ्लैट बार 490 mm का, 1, 2, 3, 4 पीस लगा है, ISMC 990 mm का लगा है, और ये ISMC 75x500 का दो लगा है। उसके बाद से दोस्तों अब हम आपको दिखा रहे हैं बैलर के बारे में। जो बैलर है ये ISMC 100x50 का दो चैनल को जोड़ करके बनाया गया है, जिसका बीच का डिस्टेंस 50 mm है, और इसमें जो एंगल लगाया गया है चार पीस, पहला यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो पहला एंगल है एंड से 100 mm पे है एंगल का सेंटर, दूसरे एंड में भी 100 का है, उसके बाद 1-1 मीटर पे ये लगाया गया है। इसका जो टोटल लेंथ है 3 मीटर 200 है। और इसमें दोस्तों जो ये होल किया गया है चैनल का टॉप में 42 mm है इस डायरेक्शन में, और 106 mm है इसका जो विथ है उस डायरेक्शन में। तो इसका सारा डिटेल आप साइट पे भी देखेंगे जो अभी प्रोडक्शन हुआ है फैब्रिकेशन यार्ड में। सेम उसी प्रकार से सोल्जर को बनाया गया है जैसा बॉयलर बनाया गया था। इसमें भी जो टॉप होल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 42 mm का है, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये 106 mm का है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ एंगल लगा है 50-56 का, 80 mm लेंथ का।
उसके बाद से दोस्तों जो ये लैप एंगल है, एंगल को ये सिंपली 1950 के लेंथ में काट दिया गया है। L 75 75 6 का एंगल है और एंड से होल कर दिया गया है। उसका जो होल का डिस्टेंस है वो मेंशन है एंड से 150 पे और ये एंड से 100 पे, उसके बाद 500 400 400 400 पे। सेम उसी तरह से दोस्तों ये जो लैप एंगल LP4 है और LP5 इसको बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं 70 mm का ये हंच है और ये 184 जो पैनल P4 और P5 मैंने बताया था शटरिंग प्लेट, उसी का ये लैप एंगल है। तो दोस्तों पैनल P4 और पैनल P5 का अगर वीडियो देखना है तो हमारा गैंट्री गर्डर का Part 3 नंबर वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका ये लैप एंगल बन रहा है। उसका पैनल का ऑलरेडी हमने शटरिंग बना दिया है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको साइट पे ये सारा डिटेल दिखा रहा हूँ, बॉयलर्स, लैप एंगल और टॉप पैनल का। ये टॉप पैनल है दोस्तों पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो चुका है। इसमें प्राइमर सबसे पहला कोट मारा गया है, उसके बाद से इसमें स्काई ब्लू पेंट करवाया हूँ। इसमें आप जैसा ड्राइंग में दिया था दोस्तों, 1 मीटर का 2 ठो ISMC 75 है दोनों एंड पे। जब ये बेंड एंगल हम ऐड करेंगे तो ये 970 mm हो रहा है। 970 mm का 3 ठो ISMC 75 लगा हुआ है दोनों एंड में और एक मिडिल में। उसके बाद ये फर्स्ट बॉक्स में फ्लैट बार है 3 ठो और ये सेकंड बॉक्स में फ्लैट बार। तो कुछ इस तरह से ये टू पैनल का प्रोडक्शन किया गया है, जिसमें ISMC जो 75 है उसका जो एंड से 120 mm पे इसका होल है और उसके बाद से ये 250 250 पे 3 होल है। इसी तरह से दोस्तों ये पूरा कंप्लीट टॉप पैनल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बॉयलर्स दिखा रहा हूँ जो ISMC 100 mm चैनल का 2 गो ऐड करके बनाया गया है, जिसका लेंथ 3 मीटर 200 है और ये इसमें जो एंगल लगा है 4 नंबर ऑफ एंगल लगा है 1 1 मीटर के डिस्टेंस पे। और ये एंड से इसको जो एंगल लगाने का डिस्टेंस है 100 mm है एंगल का सेंटर, 100 mm है। ये जो 50 mm का एंगल है ना, यहाँ से इसका सेंटर लिया गया है तो ये 100 mm सेंटर यहाँ पे होगा। उसके बाद से दोस्तों इसमें जो ये होल है, जैसा कि ड्राइंग में दिया हुआ था 42 mm सेंटर टू सेंटर होल 42 mm है, देख सकते हैं आप इस वीडियो में। उसके बाद से फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल के बीच का डिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट 50 mm है। इस तरह से ये पूरा डिटेल बॉयलर्स का हो गया। अब मैं आपको सोल्जर का डिटेल दिखा रहा हूँ। ये सोल्जर है जिसका लेंथ 2 मीटर 300 है और इसमें 5 नंबर ऑफ एंगल लगाया गया है 90 mm का, 50 50 बाई 6 एंगल का साइज। तो ये एक चैनल और दूसरे चैनल के बीच का डिस्टेंस 50 mm हो गया और ये भी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल 42 mm का है सेंटर टू सेंटर। उसके इस तरह से ये सोल्जर का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं इस वीडियो में। उसके बाद से मैं आपको लैप एंगल है उसको दिखा रहा हूँ। ये एक दोस्तों लैप एंगल जो दिया हुआ है 75 75 6 का, जिसका लेंथ 500 mm का है। अब दोस्तों मैं लैप एंगल दिखा रहा हूँ, 1290 mm इसका लेंथ है का जो हंच पार्ट है 70 mm का है और यहाँ से जो ये एंगल है डिस्टेंस 184 है। इसका हमने शटरिंग प्लेट बनाया हुआ है, इसी के लिए ये जो भी लैप एंगल है वो शटरिंग प्लेट के साथ यूज होगा। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों लैप एंगल, सोल्जर, ये बॉयलर्स, उसके बाद से ये टॉप पैनल का शटरिंग प्लेट का डिटेल। और डिटेल दोस्तों देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।